सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज के बारे में। अब देखिए, स्टीफन्स के अंदर मैं एक बार गया भी हूँ, इसके अलावा काफ़ी सारे उनके स्टूडेंट्स से मैंने बात भी की है, काफ़ी बार मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी लिए। हमारे पुराने चैनल्स पर आपको इंटरव्यूज़ भी मिल जाएंगे, तो मैं एक प्रॉपर इनसाइट जो स्टीफन्स कॉलेज की आपको दे पाऊंगा कि उनका कल्चर किस तरह का है, उनके कैंपस किस तरह का है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट किस तरह के, स्टूडेंट्स किस तरह के हैं। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस स्टीफन्स का लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, तो प्रॉपर आपको इस वीडियो के अंदर सारी इनसाइट मिलने वाली है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम काफ़ी मेहनत करें इस चैनल पर, अपने पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी कि हम लोग किस तरह से प्रॉपर एनालिसिस एंड रिसर्च करने के बाद ही वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे तो, सिर्फ तब, राइट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टीफन्स कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1881 के अंदर, और अगर मैं बात करूँ दिल्ली सिटी के सबसे पुराने कॉलेजेस की, तो उसके अंदर स्टीफन्स है, हिंदू है, रामजस है और जाकिर हुसैन कॉलेज है। ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो दिल्ली सिटी के सबसे पुराने कॉलेजेस हैं, और आई होप आप लोगों ने स्टीफन्स का नाम सुना होगा कभी ना कभी। अगर आपको सब कुछ नहीं पता है तो कभी ना कभी नाम जरूर सुना होगा, स्टीफन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा देखिए, अब जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ वो काफ़ी कम स्टूडेंट्स को पता होगा कि स्टीफन जब एस्टेब्लिश किया गया था तो सबसे पहले एफिलेट था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ, फिर उसके बाद ही एफिलेट हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई 1922 के अंदर, तब ये एफिलेट हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, राइट। और स्टीफन्स की वेबसाइट पर एक चीज़ और लिखी हुई है इनके हिस्ट्री के अंदर कि जब स्टीफन्स एस्टेब्लिश किया गया था तो ये स्टार्टिंग में चांदनी चौक में किनारी मार्केट में था, और सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर 5 स्टूडेंट और 3 टीचर्स ने मिलकर के स्टीफन्स को शुरू किया स्टार्टिंग में, राइट। तो वहां से लेकर के अब तक की जो जर्नी है जिसके अंदर स्टीफन्स का नाम पूरे इंडिया के अंदर बन चुका है, वो किस तरह की रही, और आज के टाइम पर NIRF की क्या रैंकिंग्स है। तो अगर मैं NIRF की रैंकिंग्स की बात करूं तो आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट बॉडी है NIRF, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को अलग अलग रैंक्स देती है। तो स्टीफन्स की अगर बात करूँ कॉलेज रैंक के अंदर पूरे इंडिया के अंदर, तो ईयर 2018 के अंदर NIRF में सेकंड रैंक थी, इसके अलावा 2020 के अंदर फोर्थ रैंक थी, इसके अलावा 2021 के अंदर एट्थ रैंक थी। और स्टीफन्स बहुत बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से रैंक्स लेकर के आता रहा है। इसके अलावा देखिए, जब इंडिया टुडे ने रैंक दिया स्टीफन्स को, तो इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग साइंस के अंदर स्टीफन्स रैंक 1 है, आर्ट्स के अंदर रैंक 2 है, और इसके अलावा जो आप फिलहाल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2009 से लेकर के 2015 की रैंकिंग्स, तो यहां पर भी आप देख पाओगे आर्ट्स एंड साइंस के अंदर कभी फर्स्ट है, कभी सेकंड है, कभी फर्स्ट है, सेकंड है, एक दो बार थर्ड भी आ गया है। तो इस तरह की जो रैंकिंग्स है वो स्टीफन्स की रही है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि यार ये आर्ट्स और साइंस के अंदर ही क्यों है, कॉमर्स में रैंकिंग्स क्यों नहीं है? तो बेसिकली स्टीफन जो है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इस तरह के कोर्सेज आपको ऑफर करता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स एंड साइंस के जो कोर्सेज हैं वही स्टीफन्स आपको ऑफर करता है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनके नोटेबल एलुमनाई कौन कौन है। तो देखिए, अगर मैं नोटेबल एलुमनाइज की बात करूं तो शशि थरूर का नाम आप सभी ने सुना होगा, उनकी स्पीच सुनी होगी जब वो दूसरी कंट्रीज में जाकर के भाई इंडिया की तारीफ करते हैं, तो आपने अक्सर स्पीचेस सुनी होंगी उनकी। तो शशि थरूर जो है वो स्टीफन से पढ़े हुए हैं। कपिल सिब्बल है, कोंकणा सेन है जो एक्ट्रेस हैं, इसके अलावा अमिताभ घोष है जो कि फेमस राइटर है, इसके अलावा बरखा दत्त है, राहुल गांधी भी यहीं से पढ़े हैं, सचिन पायलट है, इसके अलावा एस जयशंकर। अब देखिए, जब मैंने JNU का रिव्यू किया था तो एस जयशंकर JNU से भी पढ़े हुए हैं, और जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की तो कहीं का भी लिखा आ रहा था कि उन्होंने शायद केमिस्ट्री ऑनर्स की थी, तो स्टीफन्स कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। कोर्स शायद डिफरेंट भी हो सकता है, बट मैंने गूगल पे देखा तो केमिस्ट्री ऑनर्स दिखा रहा था, शायद कोर्स डिफरेंट होगा, लेकिन एस जयशंकर ने स्टीफन्स कॉलेज से भी पढ़ाई की है, राइट। तो नोटेबल एलुमनाइज जो है भाई वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा लिस्ट बहुत ही लंबी है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन सभी नोटेबल एलुमनाइज को, तो आपको पता चलेगा कि कुछ राइटर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ डिप्लोमेट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं वो स्टीफन से काफ़ी ज़्यादा पढ़ करके निकले हैं, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ स्टीफन्स की अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, फिर हम लोग कोर्सेज पे, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, उस पर धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले आप कुछ मज़ेदार बातें सुन लो। तो स्टीफन्स जो आपको बताया, ओल्डेस्ट कॉलेज तो है ही, इसके अलावा देखिए स्टीफन्स एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर असेंबली भी होती है। दिल्ली सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर असेंबली नहीं होती है भाई। जैसे आप स्कूल्स में जाते हो तो स्कूल में सबसे पहले प्रेयर होती है, असेंबली होती है, स्टीफन्स कॉलेज के अंदर भी असेंबली होती है, और DU के बाकी किसी कॉलेज के अंदर नहीं होती। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार असेंबली की वजह से कि स्टीफन्स जो है कॉलेज नहीं बल्कि एक स्कूल है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भाई, वो कॉलेज और काफ़ी बढ़िया दमदार कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, स्टीफन्स के अंदर ना काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स इन अटेंडेंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि भाई अटेंडेंस जितनी चाहिए स्टीफन्स कॉलेज के अंदर उतना आपको अटेंडेंस कंप्लीट करनी ही करनी पड़ेगी। बाकी DU के कॉलेज के अंदर क्या होता है कि किसी में अटेंडेंस के कंपलसरी नहीं होती है, अगर किसी में होती भी है तो अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो वहाँ पर फिर आपसे एक अंडरटेकिंग ले जाता है कि नेक्स्ट टाइम से कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आप आराम से अपने जो एग्जाम्स है वो दे पाते हो। लेकिन स्टीफन्स के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आपको देखने को मिलती है अटेंडेंस के मामले में, राइट।
इसके अलावा अगर मैं फेस्ट वगैरह की बात करूँ तो भाई जब स्टीफन्स के फेस्ट होते हैं तो बाहर का कोई भी आउटसाइडर जो अलाउड नहीं होता है, बल्कि स्टीफन्स के स्टूडेंट सभी कॉलेज के अंदर चले जाते हैं फेस्ट के अंदर अपना आई कार्ड दिखा करके। लेकिन स्टीफन्स के अंदर ऐसे अलाउड नहीं होता भाई बाकी स्टूडेंट्स को आना। काफ़ी सारे इवेंट्स के अंदर भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है आउटसाइडर्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो पॉलिटिक्स जो है, जैसे कि डेल यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स होती है, फिर स्टीफन्स की पॉलिटिक्स होती है, तो जो डेल यूनिवर्सिटी के लेवल पर पॉलिटिक्स होती है वो जो स्टूडेंट होते हैं जब वो अलग अलग कॉलेज के अंदर जाते हैं प्रमोशन करने के लिए, तो वो जो प्रमोशन हैं वो भी अलाउड नहीं है स्टीफन्स के अंदर। तो इस तरह के काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो स्टीफन्स के अंदर है, लेकिन फिर भी उन सभी के बावजूद भी स्टीफन्स कॉलेज जो है वो स्टैंड आउट करता है। अब मैं आपको एक लाइन बोलने वाला हूँ, अगर आप समझ जाओ तो समझ जाना कि भाई जैसे नॉर्थ कैंपस एक वर्ड है, नॉर्थ कैंपस जो वर्ड है वो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक हाईलाइटेड वर्ड है, राइट। एंड नॉर्थ कैंपस के जो अंदर जो स्टीफन्स वर्ड है वो भी एक हाईलाइटेड वर्ड है। तो आप बोल सकते हो कि स्टीफन्स इज अ नॉर्थ कैंपस ऑफ नॉर्थ कैंपस, राइट। समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा से आप सुनो तब समझ आ जाएगा। तो इस तरह जो स्टीफन्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज स्टीफन्स आपको ऑफर करता है। तो जहाँ तक कोर्सेज की बात है, देखो अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के अलावा फिर आप इंग्लिश ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, फिलोसफी है, संस्कृत ऑनर्स है, और हाँ यहाँ पर देखो हिंदी ऑनर्स नहीं है लेकिन संस्कृत ऑनर्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके अलावा बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, फिजिक्स ऑनर्स आप कर सकते हो, फिर बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री है, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस है, तो ये सब आप कर सकते हो। फिर आप बीए प्रोग्राम के कुछ कोर्सेज कर सकते फिर उसके अलावा बीए प्रोग्राम कर सकते हैं। बीए प्रोग्राम के अगर मैं बात करूं फिर यहां पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एमए इन इंग्लिश है, एमए इन हिस्ट्री है, फिलोसफी है, एमए इन संस्कृत है, एमएससी मैथ्स है, एमएससी ऑपरेशंस है, एमएससी इन केमिस्ट्री है, एमएससी इन फिजिक्स है। तो ये सारे सारे जो कोर्सेज है ये स्टीफन्स कॉलेज ऑफर करता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा कोर्स जो है स्टीफन्स आपको ऑफर नहीं करता है। आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हो, वो स्टीफन्स आपको बिल्कुल भी ऑफर नहीं करेगा, राइट। तो जो मैंने अभी जैसे आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ वही कोर्सेज आप स्टीफन से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के कंपेयर अगर हम करेंगे तो स्टीफन्स की फीस थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में। तो स्टीफन्स की जो फीस है बेसिकली वो आपको एक साल के लगभग 45,000 के आसपास देखने को मिलती है, और सेमेस्टर वाइज फीस यहाँ पर पे होती है। बाकी कॉलेज के अंदर मोस्टली कॉलेज में आपकी पूरी एक साल की फीस पे होती है, और एक एक साल की फीस दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी है, किसी की 8,000 फीस है एक साल की, किसी की भाई 15,000 है, किसी की 20,000 है। स्टीफन्स एक ऐसा कॉलेज है जिसकी लगभग आपको 45,000 के आसपास फीस जो देखने को मिलती है, और सेमेस्टर की आपकी लगभग 22,000 से 25,000 के समथिंग आपकी फीस है, राइट। डिपेंड करता है कौन से कोर्स के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी बहुत फीस डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूँ फिर प्लेसमेंट्स की, तो देखिए प्लेसमेंट्स की जहाँ तक बात है तो प्लेसमेंट्स की यहाँ पर जो हमारे पास बैच है वो है ईयर 2020 से 2021 का बैच। तो यहाँ पर जो एवरेज पैकेज था वो गया था 8.8 LPA का, और जो हाईएस्ट पैकेज था वो गया था 25 LPA का। तो पैकेजेस आप देख सकते हो यार, काफ़ी सही पैकेज है, और कौन कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को गए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और हाईएस्ट पैकेज सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है 25 LPA का। इसके अलावा देखिए कि कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर स्टूडेंट गए, तो आप देख सकते हो कंसल्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गए हैं 23.5% है, एजुकेशन सेक्टर में 21.6% है, आईटी एंड सर्विस के अंदर 19.6% है, फाइनेंस के अंदर भी 19.6 है, बाकी एचआर मार्केटिंग और एक दो और भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट में इतना ही आपको दिख रहा है, एक दो कुछ और भी हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग आप देख सकते हो कि सेक्टर्स है स्टूडेंट्स कितने कितने परसेंटेज स्टूडेंट गए हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वहाँ से स्टूडेंट गए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है भाई जितनी भी कंपनीज आती है डीयू के अंदर वो मोस्टली आपको पता होगा जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, या फिर बीकॉम ऑनर्स हो गया, या फिर बीएससी मैथमेटिक्स कोई कर रहा है, आपको इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, तो इन कोर्सेज के लिए प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो स्टीफन्स के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्लेसमेंट्स गई हैं। तो देखो इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा 27.7%, बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स 23.1%, बीएससी आप बीएससी प्रोग्राम इसको बोल सकते हो, बीएससी के अंदर आपकी जो प्लेसमेंट है वो 18.5% है। इसके अलावा बीए प्रोग्राम के अंदर 12.3% है, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स के अंदर 9.2 है, फिर इसके अलावा आप इंग्लिश हिस्ट्री और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और हिस्ट्री में काफ़ी कम है। तो इससे जो प्लेसमेंट्स है वो आपको यहाँ पर स्टीफन्स के अंदर देखने को मिल रही है, कितने कितने परसेंटेज स्टूडेंट जो है वो प्लेस हुए हैं, और कौन कौन से उनके टॉप रिक्रूटर्स थे, तो आप देख सकते हैं बेन है, इसके अलावा EY है, सिटी बैंक है, मैकेंजी है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, JP मोगन है, टेक फॉर इंडिया है। तो इस तरह जो कंपनीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जो सभी कॉलेज के अंदर जाती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको सेम जॉब प्रोफाइल के लिए दो लोग चाहिए, अगर वो किसी टॉप कॉलेज से एक स्टूडेंट को लेगी तो उसका पैकेज ज़्यादा होगा, अगर वो किसी एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज से किसी स्टूडेंट को लेगी तो उसका पैकेज काफ़ी कम होगा, लेकिन सेम प्रोफाइल पर ही होंगे, सेम ही काम उन्हें करना होगा, लेकिन फिर भी कॉलेज पर डिपेंड करता है कि पैकेज उनका स्टूडेंट्स का कितना जाता है। तो आप यहाँ पे पैकेज आपने देख लिया होगा 25 LPA तक का जो पैकेज है वो भी स्टीफन्स कॉलेज से गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं
तो फिर हम आ जाते हैं एडमिशन प्रोसीजर पर। तो देखिए, जब तक CUET नहीं आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, तो उस वक्त एडमिशन प्रोसीजर पूरा डिफरेंट था स्टीफंस कॉलेज का, कि आपको पहले DU का फॉर्म फिल करना था, फिर आपको स्टीफंस का भी फॉर्म फिल करना होता था, देन उसके बाद स्टीफंस के इंटरव्यूज भी होते थे कट ऑफ के आने के बाद, इंटरव्यूज देकर के फिर आपका एडमिशन होता था। लेकिन अभी एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल कर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड। और जो लास्ट ईयर जिन्होंने एडमिशन लिया, जिन स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैंने बात भी की है, तो उन्होंने बताया भाई बहुत ही सिंपल था। आपको जो बेसिक CUET का फॉर्म है, जैसे सभी का होता है, वही आपको फिल करना है। आपने CUET का फॉर्म फिल किया, आपने CUET का एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, उसके बाद डेंसिटी का पोर्टल आता है, डेंसिटी के फॉर्म आपको फिल करने होते हैं, DU का फॉर्म आपने फिल कर दिया, फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है अलग अलग कॉलेज, उसके अंदर स्टीफंस की भी आ जाएगी। अगर आपका CUET का स्कोर स्टीफंस की कट ऑफ के मैच कर रहा होगा, मेरिट के अंदर आ रहे होंगे, तो फिर आपका डायरेक्टली वहां पर एडमिशन हो जाएगा। इस बार कोई भी इंटरव्यू यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है, और ना ही किसी तरह की कोई अलग से स्टीफंस का फॉर्म आपको यहां पर देखने को मिलता है। सिंपल आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस है, जो DU के सभी कॉलेज का होता है, राइट। लेकिन इसके अलावा स्टीफन जो है बेसिकली वो एक माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है, और जिसके अंदर मतलब रिजर्वेशन होता है क्रिश्चियंस के लिए, 50% क्रिश्चियंस के लिए सीट होती है, 50% नॉन क्रिश्चियंस के लिए होती है। तो जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन है, वहां पर इंटरव्यूज होते हैं, उनके इंटरव्यूज होने के बाद उनकी क्लासेस एक डेढ़ हफ्ते के बाद शुरू होती है, और जो नॉर्मल क्लासेस वो एक डेढ़ हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर इस तरह से हुआ है। तो जो भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेस्ड है, उनको फिर इंटरव्यूज भी देने पड़ते हैं, लेकिन उनके लिए सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब पहले कट ऑफ हुआ करती थी, तो अगर मान लीजिए आप एक नॉन क्रिश्चियन हो, तो आपके लिए जो कट ऑफ थी वो होती थी भाई 99%, 98% इतनी कट ऑफ। अगर आप एक क्रिश्चियन है, तो आपके लिए जो कट ऑफ होगी वो आपकी फिर 70%, 75% या फिर 80% तक इतनी भी कट ऑफ डिफरेंस आपको देखने को मिलता था। तो इसी तरह से इस बार भी मेरिट के अंदर डिफरेंस तो इतना ही मिलेगा, क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है, तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा एडमिशन प्रोसेसर, राइट। मेरा जो स्टीफंस का एक्सपीरियंस रहा है, दो एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एक तो मैंने स्टीफंस के स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा बात की, अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग इंटरव्यूज मैंने काफ़ी बार लिए हैं। हमारे पुराने चैनल्स पर आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे, टेल एंटरटेनर पर, और आई गेस टेल एजुकेशन पर भी मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा एक बार मैं स्टीफंस कॉलेज के अंदर गया भी था, और मेरा कुछ एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही रहा था। स्टीफंस कॉलेज जो है बेसिकली उसके पीछे VC ऑफिस है, जो कि वाइस चांसलर का ऑफिस है डेंसिटी के, और वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, पार्क वगैरह है। तो हम लोग वैसे ही शाम को घूम रहे थे भाई 7-8 बजे के आसपास। उसका बैक गेट जो है स्टीफंस के अंदर है, तो मुझे नहीं पता था कि स्टीफंस का बैक गेट VC लोन के बिल्कुल कनेक्टेड ही है। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, हमें पता नहीं था कि यार ये बैक गेट है स्टीफंस का। तो हम ऐसे अंदर घुस गए, और गार्ड ने भी ऐसे कुछ नहीं देखा, रात का टाइम होगा, हॉस्टलर्स कोई होगा। तो हम लोग जो स्टीफंस के अंदर आए, तो वो जो एक एनवायरमेंट था ना, मतलब सच बता रहा हूँ कि स्टीफंस का जो एक कैंपस है, वो डेल्ही सिटी के सभी कैंपस से, सभी कॉलेज से, मतलब कैंपस का मतलब है कॉलेज, राइट। तो जो स्टीफंस कॉलेज का जो कॉलेज कैंपस है, वो डेल्ही सिटी के सभी कॉलेज कैंपस से भाई बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही शानदार है। आप जब वहाँ पे जाओगे, तो आप देखोगे कि किस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, मतलब दो दो तीन दिन क्लासेज अलग अलग बनी हुई है, इसके साथ में आपको पार्क वगैरह मिलेगा। तो इस तरह का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टीफंस का, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। तो स्टीफंस में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है भाई, तो डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि BCom ऑनर्स तो स्टीफंस करवाता नहीं है। अगर आपको SRC से छोड़ करके, BCom ऑनर्स वगैरह छोड़ करके कहीं पर भी एडमिशन मिल रहा है, तो स्टीफंस को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आप जरूर रखिएगा। स्टीफंस बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट्स के अंदर बता दीजिए। और आप ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो किस कॉलेज के लिए चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद भी वो वीडियो आएगी, तो आप बताइए कि किस कॉलेज पर आपको चाहिए। जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, हम उसी कॉलेज पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बाय बाय एंड टाटा।